बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तलवार सिलसिले की नई वीडियो पेशे खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अगली सुबह कोच करने से पेशतर मुनाफिकीन ने, जिनकी तादाद 300 थी और जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबै था, इस बहाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया कि मदीना से बाहर निकलकर कुरैश का मुकाबला करने में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं और वो किसी ऐसे मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें उन्हें अपनी शिकस्त यकीनी नजर आती हो। मुनाफिकीन वापस मदीना चले गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 700 आदमी रह गए और आपने इसी तादाद के साथ पड़ाव से कूच किया। दरहकीकत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे कि मदीना से बाहर निकलकर जंग की जाए। आपकी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों को अपने कस्बे में कुरैश की आमद का मुंतजर रहकर मदीना ही में जंग करनी चाहिए, लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत का इसरार था कि कुरैश का मुकाबला मदीना से बाहर निकलकर किया जाए। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का मुतालबा तस्लीम करते हुए कुरैश के साथ जंग करने के लिए मदीना से बाहर आ गए। लेकिन अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले मैदान में दुश्मन का मुकाबला करने जा रहे थे, तहम आपने फैसला किया कि आप अपनी पसंद का महाज कायम करेंगे। आप उहद के दामन में आ गए और फौज को लड़ाई के लिए सफरा किया। उहद खासा बड़ा पहाड़ है जो मदीना से 4 मील दूर शुमाल की तरफ वाकई है। मदीना के इस मुकाम से जहां मस्जिद नबवी है और सतह जमीन से 1000 फुट बुलंद है, पूरा पहाड़ 5 मील लंबा है। उहद के गर्भी पहाड़ में गर्भी हिस्से में पहाड़ की एक बड़ी सी नोक सीधी जमीन तक पहुंचती है। मदीना की तरफ से देखें तो इस नोक की दाहनी जानब एक वादी तदरीज ऊपर उठती है और जब वो इस नोक से तकरीबन 1000 फुट दूर एक तंग खाई में सिमटती है तो बुलंद होती होती दूर तक चली जाती है। इस घाटी से आगे ये वादी मरूम हो जाती है क्योंकि पहाड़ की चोटी की बड़ी ढलान सामने आ जाती है। इस वादी के दहाने पर जहां पहाड़ की नोक जमीन से मुतसल है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को सफरा किया। वादी आपके हकम में थी। आपने मुसलमानों को 1000 गज लंबे महाज पर बाहम पेवस्ता सूरत में मुनज़्ज़म किया। आपने मेमना को पहाड़ की नोक के साथ और मैसरा को एनेन नाम की एक छोटी पहाड़ी के साथ जो 40 फुट ऊंची और 500 फुट लंबी है खड़ा किया। मुसलमानों का मेमना महफूज था लेकिन मैसरा को एनेन की दूसरी जानब नुकसान पहुंचाया जा सकता था। चुनांचे इस खतरे का मुकाबला करने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को एनेन पर मुतय्यन किया। वहां से ये तीर अंदाज इन गुजरगाहों को ज़ेर तसल्लत रख सकते थे जिनके जरिए कुरैश मुसलमानों के हक़ में बाकायदा जंगी चालों से काम ले सकते थे। इन तीर अंदाजों को जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के जेर कमान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी थी, अपने तीरों को दुश्मन के रसाले के खिलाफ इस्तेमाल करो, इस रसाले को हमारे अकब से दूर रखो, जब तक तुम अपने मुकाम पर जमकर खड़े रहोगे हमारा अकब महफूज रहेगा। वह कुछ भी हो तुम्हें ये मुकाम हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अगर हमें कामयाब होते देखो तो हमारे साथ शरीक ना होना और अगर हमें नाकाम होते देखो तो हमारी मदद के लिए मत आना। तीर अंदाजों के इस दस्ते के लिए अहकाम बहुत वाजे थे क्योंकि जंगी नुकता नगाह से एन एक अहम पहाड़ी थी और इसे गिरदनवा के करीबी रकबे पर फोकियत हासिल थी, इसलिए समर का इत्मीनान करना लाजमी था कि यह पहाड़ी कुरैश के कब्जे में नहीं जाए। मुसलमानों के पीछे 14 औरतें खड़ी थी जिनका काम यह था कि प्यासों को पानी पिलाएं, जख्मियों को मैदानी जंग से उठा ले जाएं और इनकी मरम पट्टी करें। इन खवातीन में हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हजरत अली की ज़ौजा भी मौजूद थी। खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौज के मैसरा में थी। मुसलमानों की तकसीम और तरतीब इस मुनासबत से की गई थी कि जंग अगली सफों के दरमियान हो और ये तकसीम और तरतीब हैरत अंगेज गब्बर का नतीजा थी। इसने मुसलमानों को खुद अपने ज़राए कुव्वत जुर्रत और जंगी महारत को कमाका बरूए कार लाने की सलाहियत बख्शी। इसकी बदौलत मुसलमान इन खतरात से भी महफूज हो गए जो इन्हें कुरैश की अददी ताकत और रसाले, तेज रफ्तारी से हरकत करने वाली फौज जिससे मुसलमान महरूम थे की कुव्वत के बायस दरपेश थे। खुली जंग अबू सफियान के लिए सूदमंद होती जिसमें वो रसाले के जरिए मुसलमान फौज के बाजुओं और अकब पर अपने मंसूबों के मुताबिक हमलावर हो सकता था और उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा ताकत बुरुए कार ला सकता था, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सफियान के मफादात को खाक में मिला दिया और उसे मजबूर कर दिया कि वो एक ऐसे महदूद महाज पर जंग करे जहाँ उसकी अददी बरतरी और उसके रसाले की फादियत महदूद हो जाए। ये अमर भी कामले गौर है कि मुसलमानों का रुख फिल वक्त मदीना की तरफ था और इनकी पुश्त ओहद की जानब थी, चुनाचे कुरैश के लिए मदीना जाने वाली सड़क खुली थी। अब कुरैश हरकत में आए, उन्होंने पहाड़ की मुतज़किरा नोक
नोक के जुनून में एक मील दूर अपना जंगी पड़ाव किया और यहाँ से अबू सुफियान अपनी फौज को लेकर आगे बढ़ा और मुसलमानों के बिलमुकाबल सफरा किया। इसने प्यादा फौज के बड़े हिस्से को कलम में रखा और साले सी मेमना और मैसरा की तश्कील की। मेमना पर खारदा और मैसरा पर उकरमा था और इन दोनों में से हर एक के पास 100-100 सवारों का एक एक दस्ता था। उमर बिन लास को पूरे रसाले का सलार्म कर दिया गया था, लेकिन इसका ज्यादातर काम बाहमी रबत कायम रखना था। अबू सफियान ने इब्तदाई कार्रवाई के लिए अगली साफ के सामने 103 अंदाज मुतय्यन किए। कुरैश का आलम तलहा बिन अबू तलहा के हाथ में था, जो मैदान बदर से जिंदा बचाने वालों में से था। कुरैश साबस्ता हुए तो उनकी पीठ मदीना की जानब थी और उनका रुख मुसलमानों और उहद की तरफ था। दरहकीकत वो इस्लामी फौज और मदीना में इस फौज के मरकजी पड़ाव के दरमियान खड़े थे। कुरैश के मरकजी हिस्से के पीछे ही इनकी औरतें खड़ी थी। जंग शुरू होने से पेशतर इन औरतों ने हिंद की क्यादत में कुरैश के सामने उन्हें जंगे बदर में मारे जाने वालों की याद दिलाते हुए आगे पीछे गश्त लगाए। बाद इससे कबल के वो औरतें फौज के हक़ में अपने काम पर वापस जाती, हिंद की साफ और जोरदार आवाज बुलंद की, जब उसने गाया, ऐ अब्दुल्लाह के बेटो, हमारे घरों के महाफ़िज़ो, हम दुख्तराने शब हैं, हम तकियों के दरमियान जुम्बश करते हैं नहायत लताफत और मलाहत से, अगर तुम आगे बढ़ो तो हम तुम्हें गले लगाएंगे, अगर तुम पसपा हुए तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे एक बेमुहर जुदाई के साथ। दिनीचर 22 मार्च 625 ईस्वी यानी 7 शवाल 503 हिजरी की सुबह थी। जंगे बदर के ठीक एक साल और एक हफ्ते बाद दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने साफ पस्ता खड़े थे। मुसलमान 3000 कुफार के मुकाबले में यह पहला मौका था कि अबू सुफियान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक सिपा सलार की हैसियत से मैदान में आया था। ताहम उसके साथ काबल नायबीन थे और उसे फतह का यकीन था। मुसलमानों ने अपने आप के सामने कुरान के ये अल्फाज दोहराए, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो क्या ही अच्छा निगहबान है, और उन्होंने अल्लाह के फैसले का इंतजार किया। दोनों फौजों की साफबंदी के बाद सबसे पहला वाकया ये हुआ कि फासक ने कबीला औस को गुमराह करने की कोशिश की। ये शख्स अपने 50 पैरोकारों और कुरैश के गुलामों की एक बड़ी तादाद के साथ कुरैश की अगली साफ से आगे बढ़ा। ये कबीला औस के सामने आया और उसने कहा, ऐ गुरोहे औस, मैं अबू आमर हूँ, तुम मुझे जानते ही। औस के आदमियों ने यक जबान होकर कहा, ओ फासक, हम तुझसे बेजार हैं। उसके बाद पत्थरों की बुछाड़ शुरू हो गई, जो कबीला औस के आदमियों ने बड़े मजे के साथ फासक और उसके साथियों पर की, और ये टोली कुरैश की सफों को चीरते हुए तेजी से पीछे हट आई। कुरैश के चेहरों पर तजहीद के आसार देखते हुए फासक ने पैगंबराना अंदाज इख्तियार किया और कहा, मेरे बाद मेरे लोग नुकसान उठाएंगे, लेकिन कुरैश मुतासर ना हुए। कुरैश की झड़प के बाद दोनों तरफ से तीरंदाजी शुरू हो गई। ये एक तरह की आर्टिलरी का बाहमी मुकाबला था। मुसलमान तीरंदाज जो या तो एक जत्थे की सूरत में एन पर थे या मुसलमानों की अग्नि साफ में मिले हुए थे, कुरैश के 100 तीरंदाजों के साथ लड़ रहे थे। कई बाड़े मारी गई। कुरैश के तीरंदाजों की हिफाजत में खालिद ने मुसलमानों के मैसरा पर हमला करने के लिए अपने दस्ते के साथ पेशकदमी की, लेकिन मुसलमान तीरंदाजों के बेख्तार निशानों के बायस उसे पीछे हटना पड़ा। जब तीर अंदाजों का मुकाबला खत्म हुआ तो मैदानी जंग में खवातीन कुरैश का गाना फिर सुनाई दिया, हम रात की बेटियां हैं। अगला मरहला तरफैन के चोटी के जंगजुओं की 10-10 जंग का था। तलहा अलमबरदार कुरैश ने अगली साफ से बाहर निकलकर आवाज दी, मैं तलहा बिन अबू तलहा हूँ, है कोई मुकाबला करने वाला? इसकी मुबारक तलबी पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु लपक कर आए और उससे कबल के तलहा एक बार भी कर सकता, उन्होंने इसे अपनी तलवार की जरब से जमीन पर गिरा दिया। तलहा सिर्फ जख्मी हुआ था और यूं ही हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तलवार बुलंद की, इस पर दोबारा वार करें, इसने रहम की दरख्वास्त की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फौरन वापस पलट आए। ताहम बाद में जब जंग हुई तो जख्मी तलहा मुसलमानों के हाथों मारा गया। तलहा के जख्मी होने पर एक और काफर ने आगे बढ़कर झंडा उठा लिया। ये आदमी हमजा के हाथों कत्ल हो गया। जब हमजा ने इसे कत्ल किया तो वैशी ने, जो कुरैश की सफों के पीछे खड़ा था, उन्हें देख लिया। वैशी चुपके दाएं जानब खिसकने लगा ताकि एक तरफ से हमजा रजियालानो के करीब पहुंच जाए। हमजा रजियालानो को शुतर मुर्ग के एक बड़े से पार के जरिए, जो उन्होंने अमामे में लगा रखा था, बासानी शनाख्त किया जा सकता था। अब बाहमी मुबारकों की तादाद बढ़ने लगी। तलहा के रिश्तेदारों ने यके बाद दीगरे झंडा उठाया और एक एक करके मुसलमानों के हाथों मारे गए। उनमें से बेशतर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से कत्ल हुए।
अबू सफियान ने भी मुकाबले के लिए घोड़ा बढ़ाया। इनका उसका मुकाबला हंजला बिन अबू आमर ने किया जो प्यादा पा थे। इससे कबल कि अबू सफियान नेजे से काम लेता या तलवार खींचता, हंजला ने इसके घोड़े की अगली टांगों पर वार किया और घोड़े को जमीन पर गिरा दिया। अबू सफियान मदद के लिए चलाया और इसका एक साथी उसकी मदद को पहुंच गया, जिसने हंजला से लड़कर उन्हें शहीद कर दिया। अबू सफियान ने तेज से पलटकर कुरैश की सफों में पनाह ली। एक और कुरैश जो मुकाबले के लिए सामने आया अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर था। अगली सफों से निकलकर वो हस्बे तसदूर मुबारक से तलब हुआ, जिस पर उसके वालिद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार खींची और उसे लड़ने के लिए मुसलमानों की तरफ से आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोक लिया और इनसे कहा, तलवार को म्यान में रखो। इसी अब्दुर्रहमान को मुस्तकबिल में इस्लाम के बहादुर तरीन जंगजुओं में शुमार होना था और शाम की इस्लामी मुहिमात में नामवरी हासिल करनी थी। मुकाबले खत्म होते ही बाकायदा जंग शुरू हो गई और दोनों फौजें गुत्थम गुत्था होकर जोरों शोर से 10-10 लड़ाई करने लगी। मुसलमानों को तेग जनी और शिजात के लिहाज से फौकियत हासिल थी, लेकिन कुरैश की अद्दी बरतरी ने मुसलमानों की इन खूबियों का पलड़ा बराबर कर दिया। जब फौज का मरकजी हिस्सा से मुमी जंग में मसरूफ था तो खालिद ने मुस्लिम मैसरा पे, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, एक और हमला किया, लेकिन इनैन पर मुतय्यन मुसलमान तीरंदाजों ने इसे दोबारा पसपा कर दिया। इस जड़ में लश्कर कुरैश के बड़े हिस्से पर तीर बरसाकर खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया। आपके साथ साथ भी नबी वक़ास खड़े थे, जिनका पेशा तीर साजी था और जो अपने अहद के बेहतरीन तीरंदाज थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद को हदफ दिखाते और साद एक निशाने पर तीर मारते थे। हमजा मुस्लिम फौज के बाएं किनारे के नजदीक लड़ रहे थे। अब तक वो दो आदमियों को कत्ल कर चुके थे और उन्होंने तीसरे को करीब आते देखा तो इस आदमी का नाम सबा बिन अब्दुल उजा था, जिसे हमजा अच्छी तरह जानते थे। मेरे करीब आ, हमजा ने गर्ज कर कहा। वो खतना करने वाली के बेटे सबा की मां मक्का में खतने किया करती। सबा ने तलवार खींची और हमजा पर हमला करने के लिए बढ़ा तो इसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। जब इन दोनों ने तलवार और ढाल के साथ बाहम लड़ना शुरू किया तो वहशी चट्टानों और जोड़ियों झाड़ियों की ओट में घिसटता हुआ हमजा की तरफ बढ़ा। बिलाकर वो नेजा फेंकने के लिए मौजूद फासले पर पहुंच गया और उसने अपने और अपने हदफ के दरमियानी फासले का माहराना निगाह से जायजा लिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ और उसने अपना नेजा फेंकने के लिए बुलंद किया। हमजा ने सबा के सर पर एक मोहलक जरब लगाई और सबा उनके कदमों में ढेर हो गया। ऐन इसी लम्हे वहशी ने पूरी कुव्वत से अपना नेजा फेंका। वो जालिम हथियार, जिसे बेखता निशाना बांधकर फेंका गया था, हमजा रज़ियल्लाहु के पेट में लगा और उनके जिस्म से पार हो गया। हमजा रज़ियल्लाहु वहशी की तरफ पलटे और गुस्से में गरजते हुए चंद कदम आगे बढ़े। वहशी पर, जो एक बड़ी सी चट्टान की ओट में था, लर्जा तारी हो गया, लेकिन हमजा चंद कदम ही उठाने के बाद गिर गए। हमजा के पूरी तरह बेहिस और हरकत हो जाने तक वहशी घात में खड़ा रहा और फिर इनकी नाश के पास आकर उसने अपना नेजा झटककर निकाल लिया। बाद में वो लातलक सा होकर लड़ाई के मकाम से हट गया। वो अपना फर्ज अदा कर चुका था। वैशी को अपनी जिंदगी में और लड़ाइयां भी लड़नी थी, लेकिन हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह और रसूलल्लाह के शेर की जंगजुई का दौर खत्म हो चुका था। उसके बाद जल्द ही लश्कर कुरैश के पांव उपड़ने शुरू हो गए और मुसलमान इन पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। जब कुरैश के मुतअद्दिद आलमबरदार कत्ल या जख्मी हो गए तो एक गुलाम ने झंडा उठाया और लड़ाई जारी रखी, हत्ता कि वो भी मारा गया और झंडा फिर गिर गया। जूं ही झंडा गिरा, कुरैश के हौसले टूट गए और वो बेतरतीबी से बाहर खड़े हुए। अब कुरैश की फौज पूरी तरह दहशतज़दा हो चुकी थी। मुसलमानों ने उनका ताकब किया, लेकिन वो मुसलमानों के हाथ ना आ सके। जब कुरैश खवातीन ने अपने मर्दों पर मुसीबत नाजल होते देखी तो वो आहो बका करने लगी। अब वो भी सर पर पांव रखकर भागी और तेज तर दौड़ने की गरज से अपने लिबास को उठाते हुए वो मशहूर मुसलमानों के सामने अपनी चमकती दमकती पिंडलियों का दिलकश मंजर पेश करने लगी। तमाम औरतें भाग गईं सिवाय उमरा के, जो कुरैश की दाई जंगी लाइन के पीछे एक करीबी मुकाम पर दस्तूर खड़ी रही। मुसलमान कुरैश की लश्करगाह में पहुंचे और उसे लूटना शुरू कर दिया। जब मुसलमानों ने सामने आने वाले अली हर चीज को लूटा और खुशी के नारे लगाए तो पड़ाव में, जिसके इर्द गिर्द औरतें और गुलाम इस मौके पर गर्दिश कर रहे थे कि इन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, मुकम्मल अफसरी फैल गई। अब ना तो कोई हुक्म था, ना नज़्म व ज़ब्त और ना ही कोई पाबंदी, क्योंकि मुसलमानों को यकीन हो चुका था कि जंग जीती जा चुकी है। बिलवाक़े जंग का पहला दौर खत्म हो चुका था। कुरैश का जानी नुकसान मामूली था, लेकिन वो सरियन शिकस्त खा चुके थे। इस पर जंग का खात्मा हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा ना हुआ। जब कुरैश भागे और मुसलमान इनका पीछा करते हुए इनके पड़ाव में दाखिल हुए तो कुरैश रसाले के दोनों दस्ते अपने अपने मुकाम पर जमकर खड़े रहे। खालिद और उकरमा दोनों अपनी साबका जगहों से कदरे पीछे हटे, लेकिन उन्होंने मातहत सवारों पर मुकम्मल काबू रखा और किसी एक को भी पसपा होने की इजाजत ना दी।
और खालिद ने अब भागने वाले कुरैश की तरफ, फिर लूट मार करने वाले मुसलमानों की तरफ देखा और फिर एनेन पर मुतय्यन तीरंदाजों की तरफ देखते हुए इस अबतर सूरतेहाल का बड़ी होशियारी से जायजा लिया। उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन इसमें सब्र और तहमल की अहलियत बदरजा उत्तम मौजूद थी और इसने एक ऐसे मौके का इंतजार किया जिसने इसे कोई लाहमल बहम पहुंचाना था। जल्द ही उसे सब्र का फल मिल गया। जब एनेन के तीर अंदाजों ने कुरैश की शिकस्त और कुरैश के पड़ाव में मुसलमानों को पहुंचते देखा तो वो पड़ाव की लूट मार में शरीक होने के लिए बेताब हो गए। कुरैश का पड़ाव बहुत हिरस अंगेज नजर आता था, चुनाचे उन्होंने अपने कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर की तरफ देखा और अपने साथियों में शामिल होने की इजाजत चाही, लेकिन अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का खूबी इल्म है, उसने कहा, जब तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये जगह छोड़ने का हुक्म नहीं मिलता हमें इसी पहाड़ी पर रहना है। ठीक है, लेकिन रसूल खुदा का ये मंशा नहीं था, तीरंदाजों ने जवाब दिया और अपने सलार के इत्तेजाज के बावजूद तीरंदाजों के वसीले ने पहाड़ी को छोड़ दिया और वो माले गनीमत का शोर मचाते हुए लश्करगाह की तरफ दौड़ पड़े। अब्दुल्ला के साथ पहाड़ी पर 9 तीरंदाज रह गए। खालिद की तेज निगाहों ने इस हरकत का मुशाहदा किया, लेकिन जब तक तीरंदाज पड़ाव में पहुंच न गए वो अपनी जगह से ना हिला। फिर खालिद ने दावा कर दिया और इसने पहाड़ी के बाकी मादा तीरंदाजों पर अपने सवारों के साथ इस इरादे से हमला किया कि वो इस पहाड़ी मोर्चे पर काबिज हो जाए और अपने लिए बाकायदा जंगी चाल चलने की गुंजाइश पैदा करे। जब उकरमा ने खालिद की नकलो हरकत देखी तो मैदान के दूसरे सिरे पर खालिद के दस्ते में शामिल होने के लिए इसने भी सर पर घोड़ा दौड़ाया। जब खालिद का दस्ता पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो उसके पीछे पीछे उकरमा का दस्ता भी बिल्कुल करीब पहुंच गया। इस सना में खुद उकरमा अपने दस्ते से आगे निकल आया और उसने मुसलमान तीर अंदाजों के खिलाफ हमले में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। गज़वाए उहद का मार्के की ये दूसरी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इस मार्के की तीसरी वीडियो जल्द ही आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।